शुरू में अर्ज कर दूं कि ये कोई लेक्चर नहीं है और एक्सटेंशन लेक्चर तो है भी नहीं, क्योंकि मेरी ये मजाल नहीं कि मैं कोई इजाफा कर सकूं किसी किस्म की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर ये कहूं कि ये गुफ्तगू है सिर्फ, तो मैं तुलबा से करना चाहता हूँ और आप लोगों से, तो उसके लिए नजमा साहबा ने पहले ही से कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया है कि गुफ्तगू भी मैं ठीक से ना कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हरीश द्विवेदी साहब मौजूद हैं, तो उनके सामने जबान खोलना और वो भी मेजिकल रियलिज्म या फिर मेजिक रियलिज्म पे तो मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करूँगा कि कुछ बात कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कि मुझ जैसे नाहिर को यहाँ पे उन्होंने उर्दू किया, लेकिन एक अपनाइयत का रिश्ता भी इस शोबे से मेरा रहा है। और एक साल यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ही गुजारा, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा हूँ। लेकिन चूँकि वक्त कम है तो सीधा सीधा नफ्स मज़मून की तरफ आता हूँ। अब ये कि सबसे पहले तो उर्दू की बात तो हम शायद बाद में करें, लेकिन पहले ये कि हम ये मेजिकल या मेजिक दोनों टर्म इस्तेमाल होती हैं, इनको थोड़ा सा अगर हम साफ कर सकें, इस बात को क्लियर कर सकें, तो पहली बात तो ये कि मेजिक क्या है। अगर हम सबसे पहले मेजिक को समझना चाहें, क्योंकि ये जो टर्म है मेजिक, इसको बहुत लूजली इस्तेमाल किया जाता है। बोलने वाले में जादू है, तुम्हारी शख्सियत में जादू है, दुनिया जादू भरी है, दुनिया में असरार है, लेकिन है क्या जादू? तो बुनियादी तौर पर जो जादू है वो हाफ साइंस है, मतलब मेजिक इज हाफ साइंस। क्योंकि जो साइंस है उसमें काज और अफेक्ट का, या कहना चाहिए कि इल्लत और मालूम का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल क्लियर है कि एक चीज़ होती है या कोई काम होता है उसके पीछे कोई उसका सबब होता है। तो ये काज और अफेक्ट की जो पूरी जंजीर है, ये जब हमारे सामने क्लियर होती है कि आग में हमने हाथ डाला तो हाथ जला, तो हमने पूछा क्यों हुआ ऐसा, तो आग में हाथ डाला इसलिए जला। लेकिन अगर बैठे बैठे हाथ जल जाए हमारा, तो हमारे सामने नहीं आएगा, हम उसको मेजिक कहेंगे। तो जहाँ पर ये काज एंड अफेक्ट का रिश्ता टूटता है, जहाँ ये इल्लत और मालूम का रिश्ता टूटता है, उसको हम जादू कह देते हैं। लेकिन जब ये हम इस रिश्ते को दरियाफ्त कर लेते हैं तो ये जादू साइंस बन जाता है। तो मेजिक बेसिकली इज द हाफ साइंस। हाफ साइंस इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हमें ये मालूम हो जाए, मान लीजिए जादू में, कि किसी के सर के बाल तोड़ने के बाद और उसके ऊपर कुछ पढ़ने के बाद या कोई भी अमल करने के बाद वो जो दूर आदमी बैठा हुआ है उसके साथ कुछ हो जाता है, अगर हमको मालूम हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, अगर हमको मालूम हो जाए वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, जो कि हमें नजर नहीं आता, तो वो फिर साइंस बन जाती है। तो कल का जो जादू होता है वो साइंस बन जाता है। तो हमने देखा जब ये रेडियो आया था उसको भी जादू का डिब्बा कहा गया था शुरू, तमाम हिस्टोरियन ने इसके बारे में लिखा कि जादू का डिब्बा है। बाद में टीवी आया तो वो भी जादू का डिब्बा है। तो जादू बेसिकली है कुछ नहीं, हाफ साइंस है। तो एक तो जादू से बहुत ज्यादा हमें मुतासर नहीं होना चाहिए, बस ये है कि उस इल्लत मालूम के रिश्ते को हमको समझना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब हम रियलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ये मेजिक नहीं है खाली, ये मेजिकल रियलिज्म है, तो इस टर्म को इस्तेमाल करते वक्त हम मेजिक को तो शायद बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम रियलिज्म को भूल जाते हैं कि इसमें हकीकत निगारी का लफ्ज है तो वो क्यों है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस दुनिया को हम जानते ही कितना है। जितने भी क्लासिकल फिजिक्स के जो जो रूल्स हैं या जो उसूल हैं, जब हम माइक्रो लेवल के ऊपर आते हैं, जब हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर आते हैं, तो वो सारे रूल बदल जाते हैं। हम इस दुनिया को अपने माइंड के लॉजिक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे माइंड का लॉजिक वो नहीं है जो कि इस दुनिया को बनाने वाले का लॉजिक है, वो इससे मुख्तलिफ हो सकता है। ये दुनिया जिन उसूलों के ऊपर चल रही होगी उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम जानते नहीं। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये इससे पहले साफ हो जानी चाहिए कि जिसको कि हम सुपर नेचुरल कहते हैं या जिसको हम माफोकुल फितरत कहते हैं, कोई चीज ऐसी होती नहीं है। बेसिकली आप जिसको आप इमेज कर रहे हो, कोई भी इमेजिनेशन ऐसा नहीं, दुनिया का कोई तखयल ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद हकीकत पे ना हो।
परसेप्शन से ना हो। मिसाल के तौर पे हम परी की बात करते हैं, हम परियों की बातें करते हैं, तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल इमेजिनेशन वाली बात है, फेरी टेल सुना रहे हैं आप, ये तो तखय्युल है। देवों की बात करते हैं, उनके सर पे सींग निकले हों, तो सच्ची बात यह है, असल बात यह है कि हमने औरतें देखी हैं और खूबसूरत औरतें भी देखी हैं और हमने परिंदे भी देखे हैं और उनके पर भी देखे हैं। तो होता यह है कि मंतकी शऊर जब काम नहीं करता है ख्वाब में, जिसको कि हम इलॉजिकल कह देते हैं, उसमें वो परिंदों के पर जो है वो औरतों के ऊपर आके चस्पा हो जाते हैं, तो ये मिसमैचिंग तो हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई चीज हम इमेज कर ही नहीं सकते। देव हैं, उनके सर पे सींग होते हैं, तो हमने गाय भैंसों के सींग को देखे हैं और लंबे चौड़े आदमी भी देखे हैं, तो वो सींग जो है वो वहां से हटके यहाँ पे चस्पा हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये मिसमैचिंग है, लेकिन ऐसी कोई चीज आप इमेज कर ही नहीं सकते जिसको कि आपने देखा ना हो या जिसके बारे में आपने सुना ना हो। मनपती शऊर का जो सेंसरशिप है वो हट जाने से, जो कि ख्वाब में, इल्यूजन में, हेलुसिनेशन के अंदर हट जाता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि ये माफ़ूकुल फितरत है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे कोई ना कोई हकीकत ना हो। अब मैं देखिए कि जब हम वेजिटेबलिज्म की अदब में बात करते हैं, तो सबसे पहले लैटिन अमरीका की बात होगी यहाँ, उसके बारे में उसके बगैर बात नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। यूरोप में 1960 के आसपास नाबिल की मौत का ऐलान हुआ, डेथ ऑफ नाबिल, और वो इसलिए हुआ कि जो रिवायती खतूत थे नाबिल लिखने के, उसके ऊपर अब कुछ नया किया नहीं जा सकता था, टेक्निक की सतह पे, उसलूब की सतह पे, और टेक्निक के अलावा कुछ होता नहीं है फिक्शन में, तो कोई नई टेक्निक ही नहीं थी, वही काज और अफेक्ट, वही इल्लत मालूल, वही प्लाट,